तो मातृभूमि में आगे बढ़ेंगे। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ खत्म हो गई और अगली पूछताछ के लिए कोई नया सम्मन अभी जारी नहीं किया गया है, यानी पूछताछ से फिलहाल सोनिया गांधी को राहत मिलती दिख रही है। सोनिया गांधी करीब 2:15 बजे ईडी ऑफिस से निकलकर अपने घर चली गई हैं। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। 3 दिनों तक सोनिया गांधी से पूछताछ चली है, हालांकि घंटे जो हैं वो कम रहे। राहुल गांधी से बहुत लंबी पूछताछ रही, सोनिया गांधी से ये पूछताछ कम रही। कल हालांकि एक लंबी पूछताछ हुई थी और अब सोनिया गांधी अब से कुछ देर पहले ईडी दफ्तर से बाहर निकली हैं और अपने घर चली गई हैं और अगली कोई तारीख ईडी के द्वारा अभी तक फिलहाल तक नहीं दी गई है। तो ऐसा माना जा सकता है कि शायद सोनिया गांधी को अब राहत होगी ईडी की पूछताछ से। हालांकि कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार जारी है, कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, संसद से मार्च भी लगातार निकालने की तैयारी में है आज कांग्रेस पार्टी और निकाला भी। और अब ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं आपको कि सोनिया गांधी से 3 दिनों में कुल कितनी देर पूछताछ की गई। तो ये तस्वीरें आप देखिए, सोनिया गांधी ईडी दफ्तर से निकल चुकी हैं। सोनिया गांधी से लगातार 2 दिन पूछताछ हुई है और अब दफ्तर से निकल गई है। कुल मिलाकर 3 दिन सोनिया गांधी से पूछताछ रही है, लेकिन जो पूछताछ के घंटे हैं वो कम है रहे हैं सोनिया गांधी से। राहुल गांधी से ज़्यादा लंबी पूछताछ ईडी ने की थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।